नमस्कार, मैं गीतिका कपिला, सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन जिला से सिरमौर। कई बार यह बात दोहरा चुकी हूँ कि कोरोना वायरस महामारी के चलते विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन संभव नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों पर एवं सिरमौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नाहन आम जनता तक उनके अधिकारों के बारे में कानूनी जानकारी देने के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। हमने पहले भी काफी सारे विषयों पर चर्चा की तथा आज हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के न्यायिक फंक्शंस तथा शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर, जो उप मंडलीय विधिक सेवा समिति नाहन के अध्यक्ष भी हैं, आज हमारे साथ हैं। हम उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्रीमान जी, मैं आज आपका इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। श्रीमान जी, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें किन किन मामलों में अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है? मैं आपको ये बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं, वो ब्रॉडर जो कैटेगरीज हैं उनमें चार जो कैटेगरीज हैं उनमें अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। वो कौन से हैं? जैसे फौजदारी मामले, गुजारा भत्ते के मामले, दीवानी मामले और राजस्व मामले। श्रीमान जी, आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें फौजदारी मुकदमों का निपटारा भी कर सकती है, तो मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन कौन से फौजदारी मामले हैं जिनका निपटारा ग्राम पंचायतें कर सकती हैं? मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायती राज अधिनियम 1994 है, उसके जो अभिसूची है उसमें अब सूची जो तीन है उसमें ऐसे मामले दिए गए हैं जिनका ग्राम पंचायत जो है, जिन जो अपराध उसमें दिए हैं उनका ग्राम पंचायत संज्ञान ले सकती है, और ये लगभग 44 मामले। और इसमें राज्य सरकार अगर चाहे तो इसमें कोई मामले ऐड भी कर सकती है और उसमें से कोई मामले हटा भी सकती है, यानी कि पंचायतों को और मामले ट्राई करने की भी शक्तियां दे सकते हैं और कुछ मामले जो अभी ग्राम पंचायतें ट्राई कर रही हैं उनमें से कुछ मामले निकाले भी जा सकते हैं। अभी सूची तीन में कौन कौन से अपराध आते हैं? इसमें बहुत सारे अपराध आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो सार्वजनिक स्थान पे अगर कोई आदमी दंगा वगैरह कर रहा है, जो कि अपराध धारा 160 इंडियन पिनल कोड में पड़ता है, और फिर जैसे कोई सक्षम अधिकारी है उसने समन जारी किए हैं और वो कोई आदमी जो है वो समन नहीं लेता है और भाग जाता है, जैसे 172 आईपीसी की धारा में अपराध है, और ऐसे मामलों में जहां पे वो समन लेने के मामलों में कोई आदमी अगर रुकावट पैदा करता है तो धारा 173 में जो अपराध है, फिर कोई आदमी जो शपथ लेने से इनकार कर देता है, उस आदमी के पास, उस अधिकारी के पास जो शपथ देने के लिए प्राधिकृत है धारा 178 के तहत, फिर जो ऐसा लोक सेवक जो किसी से भी प्रश्न कर सकता है परंतु कोई आदमी उसका जवाब नहीं देता है तो वह धारा 179 इंडियन पिनल कोड में आता है, और फिर अगर आपका जो कोई भी कथन है उसके ऊपर अगर आप दस्तखत करने से इनकार करते हैं तो वो धारा 180 में जो अपराध है वो, और न्यायिक कार्रवाई में बैठा हुआ जो व्यक्ति है या आप उसकी जान करके अपमान करते हैं या फिर उसके कार्य में विघ्न डालते हैं जो धारा 228 इंडियन पिनल कोड में अपराध है, और जैसे नापतोल से संबंधित जो अपराध होते हैं, जैसे कोई नापतोल यंत्र आप जानते हुए कि वो झूठा यंत्र है वो बनाते हैं, और जैसे 264 धारा मतलब के आईपीसी की धारा के तहत, और फिर ऐसे नापतोल या क्षमता नापने वाले आप झूठे यंत्र बनाते हैं,
और फिर उसको झूठे यंत्रों को आप इस्तेमाल भी करते हैं और ऐसे यंत्रों को आप मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सारे जो अपराध हैं 265, 266 और 267 इंडियन पिनल कोड के तहत आते हैं। उसके अलावा जैसे किसी कार्य को आप नेग्लिजेंट तरीके से उपेक्षापूर्वक करते हैं, 269 जो इंडियन पिनल कोड है उसमें ऐसा अपराध आता है। और किसी सार्वजनिक स्रोत अथवा जलाशय को कलुषित करते हैं यानी कि फाउल करते हैं, 277 इंडियन पिनल कोड में जो अपराध आता है, या लोक मार्ग या नौ परिवहन को अगर कोई आदमी जो है वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है या उसमें संकट पैदा करता है, 283 जो आईपीसी की धारा है उसके तहत आता है। और अग्नि तथा किसी दहनशील पदार्थ से वो नेग्लिजेंट तरीके से व्यवहार करता है जो धारा 285 इंडियन पिनल कोड में आता है, या किसी जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस उनके साथ आप नेग्लिजेंट तरीके से जिससे कि मानव को खतरा हो, जो धारा 286 के तहत आता है आईपीसी की। और फिर किसी ऐसे भवन जिसे कोई व्यक्ति गिराने और जिसकी मरम्मत कराने का अधिकार रखता है से मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाव करने से चूक करता है, मान लिया उसको ऑथराइजेशन है कोई भवन बनाने की, परंतु वो भवन बनाती बार किसी प्रकार की चूक करता है, जैसे धारा 288 में आता है। जीव जंतु के संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण करना जो 289 इंडियन पिनल कोड के तहत आता है, यानी के मतलब आप जैसे कोई आपने जानवर पाले हुए हैं उनको आप वैसे ही छोड़ देते हैं किसी तरीके से, जिसको कहीं हो सकता है वो अटैक कर ले किसी प्रकार से। लोक न्यूसेंस करना यानी के पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई करता है जो 290 इंडियन पिनल कोड में अपराध आता है। फिर सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कार्य करना, गाने गाना, शब्द इत्यादि बोलना जिससे औरों को तकलीफ हो है के एनोयंस हो, जो 294 इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध आता है। और किसी को जान करके आपने चोट पहुंचाई है जो 323 धारा इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध आता है। और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पर अगर आप किसी को जान करके चोट पहुंचाते हैं वो 334 आईपीसी में अपराध है। और किसी व्यक्ति को जिसको राइट है किसी एक डायरेक्शन में जाने का, परंतु आप उसको वहां से जाने से गलत तरीके से रोकते हैं, जो धारा 341 में इंडियन पिनल कोड के एक अपराध है। फिर ग्रेव प्रोवोकेशन के बिना आप किसी के ऊपर हमला करते हैं, बल प्रयोग करते हैं, जो धारा 352 इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध है। और आप किसी भी चीज की ऐसे वस्तु की चोरी करते हैं जिसकी मूल्य जो है 250 रुपए से कम है, तो जो ऐसा चोरी वाला अपराध है उसके लिए भी पंचायत ट्राई कर सकती है, जो धारा 379 में एक अपराध है इंडियन पिनल कोड की। फिर बेईमानी से आप किसी संपत्ति को मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, जो संपत्ति 250 रुपए से कम की है, जो धारा 406 इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध है। और फिर आपराधिक रूप से विश्वास भंग करना यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 250 रुपए से कम है, जो धारा 406 में अपराध आता है। और आपराधिक रूप से आप जो है वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिसीव करते हैं, जो धारा जब उसकी वैल्यू जो है वो 250 रुपए है, जो धारा 411 में एक अपराध आता है। और फिर अगर आप मिसचीफ करते हैं जिससे क्या होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी वैल्यू अगर 50 रुपए से नीचे है, जो धारा 426 में अपराध है, और 427 में ही अगर 50 रुपए या उससे अधिक की अगर प्रॉपर्टी है उसका आप नुकसान करते हैं यानी कि मिसचीफ करते हैं, तो उसके लिए भी पंचायत कर सकती है। और ऐसा पशु जिसका मूल्य जो है ना वो 10 रुपए तक है,
आप ऐसे पशु को मारते हैं उसको जहर जहर देकर, या उसको अपांगन करते हैं यानी कि मेम करते हैं, या फिर बेकार बनाकर उसको जो है ना मिस्चीफ इस प्रकार से करते हैं जो धारा 428 में एक अपराध है, या फिर किसी भी मूल्य के, चाहे वो हाथी है, ऊंट है, घोड़े हैं, घोड़ी है, भैंस है, सांड है, गाय है या बैल है, या 50 रुपये की मूल्य के किसी पशु का वध करते हैं, उसको जहर देकर मतलब मारते हैं, उसका अपांगन करते हैं, जो धारा 429 के तहत एक अपराध है इंडियन पिनल कोड की। और क्रिमिनल ट्रेसपास यानी के अपराधिक अतिचार अगर आप करते हैं, जैसे किसी की भूमि वगैरह में किसी जुर्म को करने की मंशा से आप वहां प्रवेश करते हैं, जो 447 इंडियन पिनल कोड में अपराध है, और आप किसी को गाली वगैरह निकालते हैं जिससे शांति भंग होने का अंदेशा हो, जो धारा 504 में एक अपराध है, और फिर आप किसी को थ्रेटन करते हैं और उसको जो है कई बार ऐसे इस ढंग से ताकि उसके माइंड में उस आपकी थ्रेट से किसी भी प्रकार का अलार्म उत्पन्न होता है यानी कि वो डर जाता है, जो धारा 506 में एक अपराध माना जाता है। और किसी स्त्री की लज्जा को भंग करते हैं और उसके लिए कोई अपशब्द बोलते हैं, वो जो कि धारा 509 इंडियन पिनल कोड में एक अपराध है। और नशे में व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पे यानी के पब्लिक प्लेस पे किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट किया जाता है, जो धारा 510 में अपराध माना गया है इंडियन पिनल कोड में। ये जो सारे अपराध थे ये थे इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड। अब इसके अलावा और भी दूसरे अधिनियम हैं जिनके तहत भी जो अपराध हैं, जैसे आपको बताऊं कि एक टीकाकरण अधिनियम 1880 में जब स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो फैली हुई थी हिंदुस्तान में, तो उसके तहत जो अपराध हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर टीकाकरण कराता है और फिर वो उसके बाद जैसे उसको बोला गया है उन आदेशों का वो पालन नहीं करता है, और उसको अगर ये बोला जाता है कि भाई वो अधीक्षक के पास पेश हो, तो अधीक्षक जो है वो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा कि ये आदमी, इसको किसी जगह आने के लिए बोला गया था और टीका लगवाने के लिए बोला था, इसने उस बात का उल्लंघन किया है, या माता पिता किसी बच्चे को जिसको टीका लगवाने के लिए बोला जाता है उसको टीका नहीं लगवाते हैं, तो ऐसे जो अपराध है वो मतलब उस एक्ट की धारा 22 क ख और घ में जो अपराध हैं उनका भी पंचायत जो है वो संज्ञान ले सकती है। परंतु मैं आपको बता दूं क्योंकि अब ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो ऐसे अपराध जो है वो नॉर्मली नहीं होते हैं। और फिर पशुओं के जो दूसरा पशु अत्याचार जो अधिनियम है उसके तहत धारा 24 और 26 में जो अपराध हैं उसके लिए भी पंचायत संज्ञान ले सकती है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश किशोर धूम्रपान निषेध अधिनियम में यानी के 16 साल के बच्चे को अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप जो तंबाकू या तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद हैं उनको बेचते हैं या उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे भी जो अपराध हैं उसको भी पंचायत उसका संज्ञान ले सकती है। और इसमें मैं आपको बता दूं बात, इसमें जो धारा 4 है इसके तहत जो ग्राम पंचायत के पंच है उनको ऐसी पावर है कि वो बच्चा अगर उनको लगता है कि वो तंबाकू से रिलेटेड चीजों का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उस बच्चे से उस वस्तु को छुड़ा सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फिर जुआ घर में, जैसे आप अगर जुआ घर स्वामी हैं, चलाते हैं, उसके मैनेजर हैं, जो कि धारा 3 में सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत एक अपराध है, और अगर कोई जुआ घर में पाया जाता है जो धारा 4 के तहत
इस एक्ट की अपराध है, और अगर इस एक्ट के तहत जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं वो अगर अपना नाम और पता ठीक से ना बताएं, जो धारा 7 के तहत एक अपराध है, तो उनका भी जो संज्ञान है वो ग्राम पंचायत ले सकती है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो धाराएं एक मतलब 22 हैं और 158 हैं और 187 से, यानी के जो इस इन धाराओं के तहत जो भी कोई व्यक्ति अपराध करता है ग्राम पंचायत उसका भी संज्ञान ले सकती है। जैसे आप को पता ही होगा कि धारा 22 में वो अपराध आते हैं, जैसे कोई गली में प्लेट नंबर प्लेट वगैरह अगर लगाई हुई है गली की, उसको अगर कोई व्यक्ति बदलता है, उसको डिफेस करता है, उसको तोड़ता है, तो वो अपराध आते हैं। और फुटपाथ या नाली या सार्वजनिक गली की जो सामग्री है, बाड़ लगाई हुई है, फेंस लगाया है, उसमें चौकी है, कोई पोस्ट बनाई हुई लैंप पोस्ट है जिसके ऊपर आप कोई लाइट वगैरह अगर लगाई गई हुई है, या कोई दिशा यानी कि डायरेक्शन के लिए दिशा पोस्ट है, कोई फिर स्टैंड पोस्ट है, कोई बम्बा है जैसे हाइड्रेंट अगर कोई लगाया हुआ है, अगर उनको किसी प्रकार से कोई छेड़ता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो वो धारा 158 के तहत जो है वो अपराध माने जाते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत को जो वो बाईलॉज बनाती हैं उनके तहत भी वो कोई ऐसा जो चाहे कि भी उनकी ग्राम पंचायत के जो क्षेत्र है उसमें वो अपराध माना जाएगा, तो वो धारा 187 के तहत वो अपराध होगा। और ग्राम पंचायत जो है वो उसमें 250 रुपया तक ऐसे व्यक्ति को जुर्माना लगाने का प्रावधान कर सकती है। परंतु मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आगे भी आपको बात बताऊंगा कि जब आप इस मुकदमे की ट्राई करेंगे यानी कि फौजदारी मुकदमे के रूप में, तो आप जुर्माना जो है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते। आपको बाईलॉज में ये पावर जरूर है कि आप 250 रुपए तक जुर्माना लगाने के लिए उसके लिए प्रावधान कर सकते हैं, परंतु जो जुर्माना लगाना पड़ेगा आपको वो सिर्फ आप जो आपकी शक्तियां हैं 100 रुपए जो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा वो उतना ही जुर्माना लगाया जा सकता है। आपने यह भी बताया कि ग्राम पंचायतें दीवानी मामलों की भी सुनवाई कर सकती है, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि वह कौन से दीवानी मामले हैं जिनकी ग्राम पंचायतें सुनवाई कर सकती है? हाँ, ग्राम पंचायतें जो हैं वो ऐसे मामलों में जो अचल संपत्ति को छोड़ के यानी के इमोवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, इस ये बात ध्यान देने योग्य है कि इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात ना हो, तो अचल संपत्ति को छोड़ के अनुबंध के आधार पर यानी के किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो पैसे घुसेड़ने का दावा है ग्राम पंचायतें ऐसे दावे का भी संज्ञान ले सकती है। और जैसे किसी से आपने कोई चल संपत्ति लेनी है आपकी यानी के कोई प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने ली है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको अगर वापस लेना चाहते हैं और अगर उसकी कीमत वसूल करना चाहते हैं तो ऐसे भी मुकदमे जो है वो ग्राम पंचायत ट्राई कर सकती है। उसके अलावा चल संपत्ति को गलत तौर पर हथियाने या नुकसान पहुंचाने के लिए आप कंपनसेशन यानी के प्रतिकर के लिए दावा भी ग्राम पंचायत के समक्ष कर सकते हैं। और मवेशियों द्वारा यानी के पशुओं द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए जो दावा होता है वो भी ग्राम पंचायतें ट्राई कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के धारा 58 के तहत जो गांव के खर्चे विलेज एक्सपेंसेस हैं और भू स्वामी यानी के लैंडलॉर्ड द्वारा अगर टेनेंट से कोई किराया लेना हो तो उसके लिए या उसके बदले में पैसे लेने के लिए, जैसे किराया जो है वो कई बार क्या होता था प्रोड्यूस के रूप में भी होता है, टेनेंट ये बोल देता था कि आप जो है मेरे को जो आपके फसल पैदा होगी मेरी जमीन में जो आपको टेनेंसी पे दे रहा हूं उसमें से आपने उसका 1/4 भाग जो है मेरे को मतलब रेंट के रूप में देना है, किराए के रूप में देना है। अगर बाई चांस वो व्यक्ति ऐसा वो अगर आपका रेंट नहीं देता मतलब पार्ट ऑफ जो प्रोड्यूस उसका बनता है लैंडलॉर्ड का वो अगर नहीं देता है तो ऐसा दावा या फिर उसके मूल्य के लिए दावा भी ग्राम पंचायतें जो हैं वो सुन सकती हैं।
क्या ऐसे दावे जो आपने बताए पंचायत के समक्ष दायर करने के लिए कोई राशि वगैरह की सीमा भी है? हाँ, परंतु ये ध्यान देने बात है कि अगर पंचायत के समक्ष मान लिया कोई 5,000 रुपया जो है वो रेंट वसूल करने का दावा कर देता है, तो ऐसे में ग्राम पंचायत को 5,000 रुपये का रेंट दिलवाने की कोई भी शक्ति नहीं है। वो सिर्फ 2,000 रुपये तक ही के मालती के जो मुकदमे होंगे उन्हीं को ट्राई कर सकती है और उसी तक उनकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है। क्या उपरोक्त जो पैसे की सीमा है उसको बढ़ाने का भी कोई प्रावधान है? हाँ, राज्य सरकार अगर चाहे तो वो गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके ग्राम पंचायतों की जो ये सूट वैल्यूएशन की जो सीमा है इसको 5,000 रुपये तक बढ़ा सकती है, इसके ऊपर राज्य सरकार भी नहीं बढ़ा सकती। ग्राम पंचायत कौन कौन से राजस्व मामलों का निपटारा कर सकती है? जो राजस्व मामलों की जहां तक बात है, ग्राम पंचायतें सिर्फ उन्हीं मामलों का निपटारा कर सकती है जैसे जिसमें जब कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के पास या राजस्व जो न्यायालय है उनके पास अर्जी जिस दिन देता है उस दिन से मतलब 3 महीने पहले अगर उसको किसी प्रॉपर्टी से जिसके ऊपर उसका पोजेशन था उससे उसको अगर डिसपोजेस किया गया है तब ऐसे मामलों का निपटारा भी पंचायत कर सकती है। परंतु इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि वो जो आदमी है उसको सिर्फ एप्लीकेशन देने से 3 महीने पहले डिस्पोजेस किया हो। अगर बाय चांस किसी आदमी को साल पहले, 6 महीने पहले या 3 महीने से ज्यादा जो समय सीमा है उसके मतलब उतने तक डिस्पोजेस कर दिया था तो ग्राम पंचायत ऐसे मामले का निपटारा नहीं कर सकती है। हाँ, ऐसे मामले जो है वो जो संबंधित राजस्व जो न्यायालय हैं उनको सब डिविजनल जो मतलब यानी के एसडीओ जो सिविल होते हैं जैसे एसडीएम नॉर्मली होते हैं उनको वो मामला भेजना होता है और वो देखेंगे कि वो मामला राजस्व न्यायालय से ग्राम पंचायत को भेजना है या नहीं भेजना। आपने यह भी बताया कि ग्राम पंचायतें मुजारा भत्ता भी दे सकती हैं, वो कौन से मामले हैं? हाँ, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता यानी के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जितने भी मतलब गुजारा भत्ता देने के मामले हैं उनमें ग्राम पंचायत मतलब गुजारा भत्ता दिला सकती है, परंतु उसकी जो सीमा है वो 500 रुपये तक है और ग्राम पंचायत 500 रुपये से ज्यादा प्रति माह गुजारा भत्ता नहीं दिला सकती है। गुजारे भत्ते के लिए कौन कौन ग्राम पंचायतों के समक्ष अर्जी दे सकते हैं? हाँ, पत्नी जिस जो मतलब अपना गुजारा नहीं चला सकती है, वैध या अवैध नाबालिग बच्चे चाहे शादीशुदा हो या नहीं वो और अपना गुजारा नहीं चला सकते, और ऐसे बच्चे चाहे वैध हो या अवैध परंतु शादीशुदा लड़की उसमें शामिल नहीं होगी, जो बालिग हैं परंतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है और अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, और माता और पिता जो अपना गुजारा नहीं कर सकते। गुजारे भत्ते बारे अर्जी कौन सी पंचायत के समक्ष दायर की जा सकती है? हाँ, जो मैंने आपको बताया उपरोक्त व्यक्ति जिन में से किसी ने भी गुजारे भत्ते के लिए पंचायत के समक्ष अगर कोई अर्जी देनी होगी तो उन्हें जहाँ पे प्रत्यार्थी रहता है यानी के रेस्पोंडेंट जिससे वो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं जहाँ पे वो रहता है या जहाँ पे पत्नी रहती हो या फिर जहां पे रेस्पोंडेंट यानी के प्रत्यार्थी जिससे कि आप गुजारा भत्ता क्लेम करने की अर्जी देते हैं वहां पे पति पत्नी या अपने माता पिता के साथ हो रहा हो या रह रहा हो। आपके द्वारा जो बताए गए विभिन्न मामले हैं उनमें पंचायत की सीमा अधिकारिता क्षेत्र क्या रहेगा? प्रत्येक जैसे मैं आपको बताया मामले जो है
राजस्व या दूसरे जो मामले हैं वो मतलब प्रधान और ग्राम पंचायत के प्रधान अगर अब्सेंट हैं तो वहां पे जो उप प्रधान है उनके समक्ष जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। अब वो करेंगे कहां पे, जहां पे प्रतिवादी यानी कि जिसके विरुद्ध दावा दायर किया गया है वो रहता है, और अगर और साथ में वो काम करता है, और जहां पे अगर प्रतिवादी एक से ज्यादा हो तो जहां पे एक प्रतिवादी रहता है या एक जो है प्रतिवादी मतलब जहां पे दो में से कोई भी एक रहता है या अगर ज्यादा है तो उनमें से एक जहां पे रहता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इस जो अधिनियम है इसमें एक बात है कि चाहे कॉज ऑफ एक्शन यानी कि बाधकरण कहीं पे भी हुआ है परंतु आपको दावा वहीं पे दायर करना पड़ेगा जहां पे रेस्पोंडेंट रहता है या वो व्यापार करता है। परंतु कई बार ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां विवादित भूमि एक से ज्यादा पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आती हो, तो राजस्व मामले में कौन सी पंचायत कार्रवाई करेगी? हाँ, ऐसे मामले में जो राजस्व न्यायालय है वो ऐसी ग्राम पंचायत को ही मामला भेजेगी जहां पे के भूमि का ज्यादा जो भाग है जिस ग्राम पंचायत में पड़ता है उसी ग्राम पंचायत को भेजेगी। आपने बताया कि ग्राम पंचायतें कई अपराध होने पर भी कार्रवाई कर सकती है, तो ऐसे में पंचायत का अधिकार क्षेत्र कैसे सुनिश्चित होगा? हाँ, जहां पे जुर्म हुआ होगा जिस ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में तो वो वहां पे कार्रवाई कर सकता है। अगर अपराध का एक भाग एक पंचायत में तथा दूसरा भाग दूसरी पंचायत में किया हो तो कौन सी पंचायत अपराध का संज्ञान ले? ऐसी स्थिति में दोनों ही जो पंचायतें हैं वो मतलब संज्ञान ले सकती है अपराध का, मतलब दोनों का मतलब दोनों में से जो भी पंचायत चाहे वो ले सकती है। कई बार ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां कोई फौजदारी मामला, दीवानी दावा या राजस्व मामला या दूसरी कार्यवाही एक से अधिक पंचायतों के कार्य क्षेत्र में पड़ती हो, तो इस बारे कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो मामला कैसे सुलझाया जा सकता है? ऐसी अगर स्थिति है तो जैसे फौजदारी मामला है तो न्यायिक दंडाधिकारी, और अगर सिविल दावा है तो सिविल जज, और अगर कोई राजस्व मामला है तो जो कलेक्टर है जिसके अधिकार क्षेत्र में वो ग्राम पंचायत पड़ती है वो जो है मतलब इस बारे में निर्णय ले सकता है और उसका निर्णय जो है वो अंतिम होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक मामला हमारे उच्च न्यायालय के समक्ष आया जिसका टाइटल था सुरेंद्र ठाकुर बनाम धीरज कंवर एवं अन्य 2009 वॉल्यूम 1 लेटेस्ट HLJ 215 में रिपोर्ट हुआ था। उसमें हमारे न्यायालय ने ये हेल्ड किया कि अगर बाय चांस कोई अपराध किसी पंचायत के क्षेत्राधिकार में हुआ है और बाद में क्या होता है कि वो मामला अभी ग्राम पंचायत के समक्ष लंबित है, परंतु उसी दौरान क्या होता है कि वहां पे जो ग्राम पंचायत का एरिया है वो किसी नगर पंचायत में जैसे नहीं सॉरी किसी लोकल दूसरे लोकल बॉडी में आ जाता है, नगर पंचायत में आ जाता है, नगर पालिका में आ जाता है या फिर नगर निगम के एरिया में आता है, तो ऐसे में पंचायत अपना क्षेत्राधिकार खो देती है और जो मामला है फिर वहां का न्यायालय ही ट्राई कर सकता है। क्या सारे मामलों में उपरोक्त न्यायिक कार्रवाई सीधी पंचायत के समक्ष दायर की जा सकती है? हाँ। जहां पे रही दीवानी दावों की बात और फौजदारी मामलों की बात और गुजारे भत्ते के बारे में जो मामले हैं उनकी बात, उनके केस में तो जो है मतलब वो कार्रवाई सीधी ग्राम पंचायत के समक्ष पार्टी जो है वो कर सकती है, परंतु जहां पे ये रेवेन्यू कोर्ट्स की बात है उन जो यानी के रेवेन्यू जो मामले हैं राजस्व जो मामले हैं उनमें ग्राम पंचायत सीधे तौर पे संज्ञान नहीं ले सकती है, और ऐसे में उनको जो राजस्व न्यायालय मामले भेजेंगे वो उसी के बारे में संज्ञान ले सकती है ग्राम पंचायत। मैं आपको इसमें एक जो विरोधाभास है
इस एक्ट में यानी कि अधिनियम के जो विभिन्न प्रावधान है उनमें और नियमों में उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे जो जहां पे इंस्टीट्यूशन की बात है वहां पे यह लिखा गया है कि आप जब कोई दावा इंस्टीट्यूट करना चाहें तो आप जो है वो सीधे मतलब ग्राम पंचायत के समक्ष दावा कर सकते हैं। उसमें क्या लिखा है कि यानी कि केस, कोई केस मतलब क्रिमिनल केस, या दावा मतलब सिविल दावा, या फिर कार्यवाही। कार्यवाही को एक्ट के जो सेक्शन 2 है उसमें डिफाइन किया है रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स के, जब उनको इंस्टीट्यूट आपने करना है तो बोलते हैं प्रधान के पास भी कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पास, इन अ सेंस ऑफ प्रधान आप उनको इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। परंतु जो नियम है उनमें यह प्रावधान है कि वो जो है आप सीधे राजस्व जो मामला है वो पंचायत के समक्ष दायर नहीं कर सकते हैं, और आपको जो है मतलब मामला राजस्व न्यायालय जब भेजेगा आप तभी उसका संज्ञान ले सकते हैं। क्या दीवानी मामलों में दोनों पक्ष पंचायत का अधिकार क्षेत्र निश्चित कर सकते हैं? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर दोनों पक्ष एक समझौते के तहत ये बोल सकते हैं कि हमने फलानी पंचायत के पास अपना दावे का निपटारा करना है, अपने केस का निपटारा करना है, बशर्ते कि वो जो पंचायत है उसको भी उस मामले में अधिकारिता क्षेत्र हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके इस बात को बताने की कोशिश करता हूं। मान लिया कि एक आप जो दावा है कोई या केस है वो दो पंचायतों में कर सकते हैं, किसी भी पंचायत में। मान लिया कि एक हो गया ग्राम पंचायत ददाहू और दूसरा हो गया ग्राम पंचायत पन्ना। परंतु पार्टियां ऐसा नहीं कर सकती कि वो आपस में एग्रीमेंट करें और ये बोलें कि हम जो है ना ग्राम पंचायत जामता में अपने केस का निपटारा कराएंगे, तो मतलब वो सिर्फ उन्हीं ग्राम पंचायत में, और साथ में वो ऐसे मामले में भी नहीं बोल सकती निपटारा करने के लिए जो कि उनके अधिकारिता क्षेत्र में आता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। थैंक यू।